इग्निशन सप्लाई है, इसकी पिन होती है K28। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ग्राउंड लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस अमूमन हर ECM के अंदर मिलता ही है। और फिर एक रेजिस्टेंस आपका ये सीधा लगा रहता है जो पावर IC की तरफ जाता है। आप इस जगह पर जो सप्लाई दी जाती है वो 12 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, और यही 12 वोल्ट सप्लाई ये IC है, पावर IC है, ये 30622, ये पावर IC है 30622। इसकी पिन नंबर 53 पर ये सप्लाई आती है। तो एक्चुअल में ECM के अंदर ये इसका सर्किट किस तरीके से बना है हम आपको वो ज़रूर दिखाएंगे। एक बात बिल्कुल जहन में रख लीजिए आप कि इग्निशन सप्लाई जो होती है वो हमेशा पावर IC को ही जाती है, ठीक, हमेशा पावर IC को ही जाती है, और हर ECM में पावर IC ज़रूर होती है। क्रैंक शाफ्ट सेंसर, इस सेंसर का जो स्मेटिक्स डायग्राम है वो 16C39 के अंदर किस तरीके से होता है, कौन कौन से रेजिस्टेंस लगे होते हैं, इन पिन पर कितने वोल्ट आते हैं, यहाँ पर इस जगह पर आते हैं, ये वोल्ट कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो वैसे तो इसका जो सेक्शन होता है दूसरे ECM में कुछ अलहदा होता है, इसके लिए अलग IC होती है, 30541 या 40111, इस तरह की IC आती हैं। लेकिन इस ECM के अंदर ये जो IC है अलग से इस्तेमाल नहीं लाएगी, बल्कि इस सेक्शन को पावर IC के अंदर बनाया गया है, पावर IC के अंदर बनाया गया है। ये इसमें थोड़ा सा एक अलग बात है दूसरे ECM के कंपैरिजन में, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि क्रैंकशाफ्ट सेंसर का एक अलग IC होता है 8 पिन का, लेकिन इस ECM में 16C39 के अंदर क्रैंक का जो सेक्शन है वो पावर IC के अंदर इंक्लूड है। तो ये किस जगह पर है ECM में हम आपको दिखाते हैं, और हमारी ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। जो भाई एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन के लिए एक ज़रूरी शर्त ये रहती है कि हम उन्हीं भाइयों के एडमिशन लेते हैं जो पहले से वर्कशॉप की लाइन से जुड़े हुए हों, बिल्कुल फ्रेशर बंदों का एडमिशन नहीं लेते, या ऐसे कोई भाई हैं जिन्होंने ECM की ट्रेनिंग किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में ले चुके हैं और अभी भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ऐसे भाई भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ECM का काम अपने आप में एक मुश्किल काम होता है, टफ़ होता है, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, और इन भाइयों में मेहनत करने की ये और इस तरह का शौक़ भी होना चाहिए कि वो इतनी मेहनत कर सकें। ऐसे ही भाई हमसे संपर्क करें, और साथ साथ हम बहुत ढेर सारे ECM की इस तरह के स्मेटिक्स डायग्राम भी प्रोवाइड कराते हैं, काफ़ी ECM के प्रोवाइड करा देते हैं ताकि उनको समझने में बहुत आसानी रहे। तो आइए क्रैंक शाफ्ट सेंसर और इग्निशन सेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट सेंसर के वोल्टेज चेक करते हैं, तो इसकी जो पिन है वो है A27 और A12। तो इस पर इस सेट से आते हैं, यह वोल्ट आ रहे हैं 2.5, और फिर इसके बाद 2.5 और यहाँ भी 2.5, ठीक है, और इसके बाद A27 से आते हैं इस सेट में 2.5, फिर 2.5 और 2.5, ठीक है, यहाँ से ये आउट होते हैं, ठीक है। ये अगर यहाँ पर किसी वजह से ना मिल सके ये 2.5 वोल्ट, तो आप ऐसा करें इस IC पर आएं, इस IC की पिन नंबर 31 और 30 पर, यहाँ पर 2.5 वोल्ट यहाँ चेक करें, 2.5 वोल्ट यहाँ चेक करें, और फिर इसके बाद 31 पर चेक करें। अगर तब भी ना मिले और इन रेजिस्टेंसों को की वैल्यू को खूब अच्छे से चेक कर लें, जिसमें एक जो है 10K की रेजिस्टेंस है और दूसरी 36K की है,
ठीक है, ये क्रैंक सेंसर का वोल्टेज है।